ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस तहत अज तरनतारन दाणा मंडी विच सूबा सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई अते किसान संघर्ष कमेटी के सूबा प्रधान सतनाम सिंह पन्नू की अगवाई हेठ धरना भी लगाया गया जिस विच औरतां भी शामिल हुई। जिक्रयोग है कि धरने विच ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए पहुंचे। इस मौके सूबा जनरल सकत्तर जसबीर सिंह पिद्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों नू मारन वाली नीति बनाते हैं अते ओह पंजाब विच मंडी बोर्ड तोड़न वाली नीति कामयाब नहीं होण देणगे। जिहड़ा तरन तारण की दाणा मंडी के कन्वेंशन कर रहे अपनी जथेबंदी वालों शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये विरोध के जी केंद्र सरकार ने पिछले दिनों के तीन आर्डीनेंस जोड़े आ पास किए आर्डीनेंस खेती मंडी तोड़ने वाले आर्डीनेंस है व्यापारी को पूरी खुल दी जानी आ कि तुसी किसान के खेतों के जाके अपना जिहड़ा खरीद कर सकते जी जिहड़ियां जरूरी वस्तुआं वो जिहड़ियां पहलां विच रखियां हैं वो जरूरी वस्तां भी दा एक्ट भी वो सोध करके होर तां भी जरूरी वस्तां नहीं वो खुले आम जिहड़ियां विकण गईआं जिवें कणक झोना जां इहदा ऐ कह लो जिहदे विच सब्जियां भी आउंदियां ते इह इन्ना मारू एक्ट आ जिहदे नाल जिहड़ियां किसानां दीआं जमीनां जिहड़ियां वो जाणियां क्योंकि इहदे विच इक मध पाई आ कि जे किसान ठेके ते जमीन देनी चाहुंदा पारकोट घराणियां नूं तो वो कोई भी सरकार का वो कोई कानून जरा लागू नहीं होगा सीधी दे सकता जमीन ये जो लगता वा कि ये जरा 3 लाख मजदूर बैठा मंडी के जोड़ा किसान व्डे पद्धर से बैठा पंजाब के जोड़ा किसान हरियाणे के बैठा जी कणक के झोना जरा इतने व्डे पद्धर से दोवे स्टेटा के होंगे तो वह बिल्कुल रुल जाऊगा तबाह हो जाऊगा किसान तो जरा आड़तीया वर्ग आ 30,000 आड़तीया वर्ग है इतना ये मलीम मुंशी वह भी तबाह हो गए 36,000 करोड़ की जी जायदाद है ताकि जरा मंडीकरण बोर्ड का ढांचा वह भी पूरी तरह तबाह हो जाऊगा। तरन तारण तो जसबीर सिंह लड्डू की रिपोर्ट पंजाब टूडे।